हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार अपना आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। वायरस के पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह वायरस होते हैं और किस तरह उसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी कि वायरस जो है वो नए वायरसों का निर्माण कैसे करते हैं, यानी कि प्रोलीफेरेशन ऑफ वायरस, वायरसों का प्रचुरोद्भव, यानी कि होस्ट सेल्स के अंदर, यानी कि वायरस जिस बॉडी पर, जिस सेल्स पर रहते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं, वहां पर अपनी क्रियाएं चालू करते हैं, उससे हम लोग उस सेल्स को हम लोग होस्ट सेल्स कहते हैं। यानी कि वायरस का होस्ट सेल पर पहुंचकर और नए वायरसों के निर्माण की जो कहानी है वो आपके प्रोलीफेरेशन कहलाती है। देखिए, पहले स्टेप पे क्या होता है कि वायरस जो है, यहाँ पर आपके वायरसों की लाइफ साइकिल जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस की समझाई जा रही है। देखिए, पहले इसकी फाइव स्टेप्स होती हैं, एडजॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेटिक फेज, मैच्योरेशन, रिलीजिंग। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि वायरस जो होते हैं वो होस्ट सेल से जुड़ते हैं। पेनिट्रेशन में क्या होता है कि जो वायरस है वो अपने जेनेटिक मटेरियल या पूरी बॉडी को सेल्स के अंदर पहुंचाते हैं। अनकोटिंग में क्या होता है कि जब भी वायरस सेल्स के अंदर पहुंचते हैं तो उसकी जो पार्ट होते हैं, यानी कि जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है और वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है सेल्स के अंदर रिलीज हो जाते हैं, अनकोटिंग कहलाती है। बायोसिंथेटिक जो फेज होती है उसमें वायरसों के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और एंजाइम होते हैं उसके माध्यम से उसके जेनेटिक मटेरियल्स और अपना जो प्रोटीन्स होती हैं इत्यादि का फॉर्मेशन किया जाता है, बायोसिंथेटिक कहलाती है। और मैच्योरेशन में क्या होता है कि जो भी सामान बनती है, मटेरियल्स बनते हैं वायरस के अंदर, वो सभी एक दूसरे से मिलकर आपके नई वायरल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम मैच्योरिंग कहते हैं। और रिलीजिंग, जब भी वायरस पूरी तरह होस्ट सेल्स के अंदर बन जाते हैं तो उससे इनका बाहर निकलना ही रिलीजिंग कहलाता है। ये देखते हैं फर्स्ट एडजॉर्प्शन में, यानी कि ये बैक्टीरियोफेज है और ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं और उसको फेज करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। देखिए, बैक्टीरियोफेज जो है ये आपके इस बैक्टीरिया के सेल वॉल पर आपके आके जुड़ जाते हैं, इनका जुड़ना ही एडजॉर्प्शन कहलाता है, यानी कि अटैचमेंट कहलाता है और अधिशोषण कहलाता है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं एक और स्पेशल चीज को हमने यहाँ पर ड्रा किया है कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाली रिसेप्टर प्रोटीन है, जबकि ये क्या है, एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस की ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स है जिससे लगी हुई आपकी स्पाइक है, और स्पाइक जो है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि एचआईवी जो है हमारे स्पेशल सेल्स को, यानी कि T4 लिम्फोसाइट की जो रिसेप्टर होते हैं उसको पहचानती है और उससे जाकर बाइंड करती है। तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है आपके स्पाइक की, यानी कि एचआईवी की स्पाइक की, ये हमारे रिसेप्टर प्रोटीन से जाकर जुड़ जाती है, तो इसका जुड़ना ही एडजॉर्प्शन कहलाता है। दूसरी स्टेप जो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है कि जो ये बैक्टीरियोफेज होता है अपने स्प्रिंग के माध्यम से इसको सपोर्ट कर इसके बैक्टीरियोफेज के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए होते हैं, इस वायरस के अंदर पहुंचा देता है। तो यहाँ पर लिखा है फेज इंजर्ट्स ऑफ डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, यानी कि जो फेज है वो फेज अपने डीएनए को होस्ट सेल्स के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर वो पहुंचा दिया है। तीसरी स्टेप में क्या होता है, तीसरी स्टेप में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। पेनिट्रेशन तीन स्टेप में होता है, डायरेक्ट, फ्यूजन और एंडोसाइटोसिस। डायरेक्ट में क्या होता है कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो होस्ट सेल्स की मेम्ब्रेन होती है उससे डायरेक्टली सेल्स के अंदर पहुंच सकते हैं, ये डायरेक्ट हाल होता है। फ्यूजन क्या होता है, कुछ वायरस जो होते हैं जो होस्ट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी के साथ जुड़ जाते हैं और अपना उससे होकर आपके सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं, ये आपके फ्यूजन हाल होता है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो होस्ट सेल्स होती है वो वायरस को एक्टिव होकर फेज कर लेती है और एक अंदर लेकर उसको एक एंडोसोम में बदल देती है। पुनः एंडोसोम के गल जाने से एंडोसोम के जो आपके बेसिकल होते हैं उसके वाल गल जाते हैं और जो वायरस के पार्टिकल होते हैं वो सेल्स के अंदर रिलीज हो जाते हैं, तो ये आपके एंडोसाइटोसिस कहलाता है। तीसरी जो स्टेप है अनकोटिंग। जब भी वायरस आपके सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि कैप्सिड होती है और उसके अलावा जो वायरस की आवरण होती है, एनवलप होती है, वो लाइटिक एंजाइम द्वारा ब्रेक कर दी जाती है, तोड़ दी जाती है, जिससे जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। ये तीसरी स्टेप आपकी अनकोटिंग कहलाती है। बायोसिंथेटिक फेज में क्या होता है कि वायरस जब आपके होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाता है तो वायरस के जो एंजाइम्स इत्यादि होते हैं
वो होस्ट सेल्स के जो डीएनए होते हैं उस डीएनए को तोड़ देता है, इसे हम लोग डिग्रेडेशन ऑफ होस्ट डीएनए कहते हैं, यानी कि होस्ट डीएनए के का डिग्रेडेशन यानी कि विखंडन हो जाता है। अब वायरस जो होता है वो वायरस आपकी इस होस्ट डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उस न्यूक्लियोटाइड का यूज करता है एंजाइमों की हेल्प से, उसका यूज करके डुप्लीकेट करता है और डुप्लीकेट करने के फलस्वरूप नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर यही है कि होस्ट डीएनए का ब्रेक हुए बिगड़ित हुए जो डीएनए होते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड का यूज करके लगातार ये क्या करता है रिपीट करके लगातार डुप्लीकेट यानी कि गुणित करता है और गुणित करने के फलस्वरूप नए फेज डीएनए को बनाने का काम करता है। तो इस तरह ये नए डीएनए बनते हैं, जो नए डीएनए बनते हैं फिर उससे आपके क्या होता है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, यानी कि जो डीएनए बनते हैं फिर उससे आपके आरएनए बनाए जाते हैं, आरएनए का बनना ही डीएनए से आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन होती है इस होस्ट सेल्स के अंदर उस ट्रांसक्रिप्शन से आपके उसका ट्रांसलेशन होता है, यानी कि प्रोटीन अणुओं का निर्माण होता है, एमआरएनए जो बनता है यानी कि आरएनए जो बनता है उस एमआरएनए से आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन ही आपके ट्रांसलेशन कहलाता है। अब जो प्रोटीन्स बनती है वो प्रोटीन आपके बैक्टीरिया की जो कैप्सिड की प्रोटीन्स होगी, एनवलप होगी, एंजाइम्स होंगे, सॉरी वायरस की जो कैप्सिड होगी उसके अलावा वायरस के जो आवरण होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो ट्रांसलेशन क्रिया के फलस्वरूप बनेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा गया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ फेज जीन्स एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ फेज प्रोटीन। तो इस तरह आपके इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन्स का निर्माण होता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के फलस्वरूप। जब पूरी तरह आपके जीनोम बन जाते हैं यानी कि इसके डीएनए बन जाते हैं और ये प्रोटीन संख्या बन जाती है तो ये सब जो है वो इकट्ठे होने लगते हैं, यानी कि उनकी असेंबली होने लगती है, सब ये आपस में मिलकर आपके नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन करते हैं। जब पूरी तरह नए बैक्टीरियोफेज कंप्लीट बन जाते हैं तो उसे हम लोग मैचुरेशन यानी कि परिपक्वन कहते हैं। जब पूरी तरह बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं तो ये बैक्टीरियोफेज जो है ये आपके होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को तोड़कर यानी कि उसको लाइसिस करके, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल्स यानी कि होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को लाइसिस कर देते हैं, तोड़ देते हैं और बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज जो होती है वो बाहर आ जाती है, यानी कि वायरस जो है वो बाहर आ जाती है। अब वायरस जब बाहर आ जाती है तो पुनः जो ये वायरस है यानी कि न्यू फेज रिलीज टू स्टार्ट द साइकिल अगेन, यानी कि नए जो फेज हैं वो रिलीज हो जाते हैं और पुनः अपनी साइकिल को एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये जो रिलीज बैक्टीरियोफेज होते हैं वो पुनः किसी होस्ट सेल पे जाते हैं और फिर से ये बैक्टीरियाएं जो हैं वो जारी रखते हैं। तो इस तरह जो है आपके रिलीजिंग क्रिया के फलस्वरूप जो नए बैक्टीरियोफेज बन के निकलते हैं ये नए सेल्स पर आक्रमण करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रियाएं जो थी वो आपके प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज थी। इस तरह अब जाके आपके इस प्रक्रिया यानी कि होस्ट सेल्स के अंदर नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं। तो ये आपकी प्रोलिफरेशन थी आपके बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की कहानी के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। आप इसको बुक से रिवाइज करेंगे, जो भी समस्याएं नजर आएंगी वो व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।